गुड आफ्टरनून मॉर्निंग क्लास ऑनलाइन क्लास यस सर ओके आई एम स्टार्टिंग द सेशन यहाँ होगा ना ओके ये हो गया था क्या GSTN हो गया था ना अच्छा ये स्लाइड छूट गया था GSTN में हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल GST नंबर कैसा होता है GST फॉर्मेट ऑफ द GSTIN GSTIN का क्या मतलब था GSTIN का मतलब हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब कि GSTIN फुल फॉर्म क्या था गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसा होता है सर इट इज अ पैन बेस्ड नंबर आइडेंटिफिकेशन कैसा होता है इज अ पैन बेस्ड नंबर मतलब मेरा यहाँ से यहाँ तक का क्या है पैन नंबर ये यहाँ से यहाँ तक क्या है पैन नंबर ये वाला स्टेट कोड सर डिफरेंट स्टेट कोड मतलब आसाम का 18 इन GSTN डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन डिजिग्नेटेड अ डिफरेंट नंबर मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली Yeah.
ये रहा, हर हर स्टेट के को एक अलग कोड दिया होगा जीएसटी में, हर स्टेट को एक अलग कोड दिया होगा। सर कहाँ से स्टार्ट है? जम्मू एंड कश्मीर टॉप ऑफ द कंट्री, वहाँ से स्टार्ट करके ये हर स्टेट को एक कोड दिया हुआ है। दिल्ली 7, दिल्ली का क्या है 7, दिल्ली क्या है 7, हम लोग का आसाम, आसाम का क्या है 18, आसाम का क्या है 18, वेस्ट बंगाल 19। मतलब इसका मतलब क्या है सर, अगर कोई बंदा, मैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कोई है अगर, और मैं रजिस्टर्ड हूँ वेस्ट बंगाल में, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, हिज जीएसटी नंबर मस्ट स्टार्ट विथ कौन सा 19। मैं आसाम में रजिस्टर्ड हूँ, माई जीएसटी नंबर मस्ट स्टार्ट विथ 18। बोलने का मतलब ये सर याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट टेस्टेबल इन द एग्जाम सर, एग्जाम में टेस्टेबल नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, रजिस्टर्ड नंबर याद हो जाएगा, कैसे, क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में देगा अरे मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल हैविंग जीएसटी नंबर 19-19। ठीक है, हम लोग का जीएसटी नंबर ना भी देना, खाली ये बोल देना रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल तो भी चलेगा, अगर जीएसटी नंबर ना भी दे, बोल दे रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल तो भी चलेगा। बंदा का जो जो सेलर है उसका रजिस्टर्ड नंबर रजिस्ट्रेशन कहाँ है, ये किस पे डिपेंड करता है, हम लोग का सम्स पे क्या डिफरेंट होगा, अगर कोई किसी को बोले, अगर मैं बोलूँ मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ना दूँ, स्टेट भी ना बोलूँ, तो कहाँ पर प्रॉब्लम आएगा? हाँ वेरी गुड, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स में सर, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स नहीं पता रहेगा सर, आई जी एस टी लगाए सेल के टाइम में कि सी जी एस टी एस जी एस टी में लगा, तो आई जी एस टी होगा सी जी एस टी एस टी एस जी एस टी को डिपेंड होगा इंट्रा या इंटर स्टेट सेल पे, और वो डिपेंड होगा जी एस टी नंबर पे। समझ में आ रहा क्या क्या लॉजिक है यहाँ पे? तो सर ये याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा सर, सबको पता मेरा स्टेट आसाम क्या है 18, बगल वाला स्टेट वेस्ट बंगाल 19, याद सर सबका याद, कुछ किसी का याद करने की जरूरत नहीं। दिल्ली 07, कुछ कुछ पॉपुलर मेट्रो सिटीज है उसका याद है, अपने आप हो जाएगा, हम लोग इतना रिपीट करेंगे ना अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप समझो थे। मतलब सर ये कौन से स्टेट में होगा, ये बंदा कौन सा स्टेट में रजिस्टर्ड होगा, छत्तीसगढ़ का स्टेट कोड, देन ये पैन, ये अल्फाबेट मतलब कि सर इस पैन के अगेंस्ट में कितना रजिस्ट्रेशन नंबर है। अ पर्सन पहले क्या था, सेंट्रल एक्साइज वॉज गवर्न बाई हुम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या होता था ना कि एक पर्सन का एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था, बट इन जीएसटी डिफरेंट पर्सन कैन टेक रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट स्टेट। मतलब सर कितना स्टेट है, 28 स्टेट, सर क्या मैं 28 स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, डिपेंड ऑन कि आपका बिजनेस उस सारे स्टेट में है। ओके, तो नंबर ऑफ स्टेट्स जेड, एक अल्फाबेट आता है रैंडमली अल्फाबेट, और 5 इज डिपार्टमेंट इंटरनल नंबर, डिपार्टमेंट इंटरनल मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक डिपार्टमेंट का इंटरनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद ये हम लोग का पैन नंबर, ये स्टेट कोड। ठीक है, क्या है ऑल रजिस्ट्रेशन द कॉमन पोर्टल, कॉमन पोर्टल मतलब क्या बोलने का मतलब है, कॉमन पोर्टल बोलने का मतलब है सिर्फ दो पोर्टल, इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन कॉमन पोर्टल मीन्स टू पोर्टल, एक www.cbic.gov.in, दूसरा gst.gov.in। ठीक है, कॉमन पोर्टल मतलब gst.gov.in
each taxpayer will receive 15 alphanumeric PAN. ये क्वेश्चन में आ सकता है कि सर इन जीएसटी नंबर कितना अल्फाबेट होता है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन जीएसटी नंबर, ये क्वेश्चन में आ सकता है, ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है. बेस्ड यूनिक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है. बस इन अ नटशेल क्या है सर, एक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में सबसे पहले स्टेट कोड रहेगा, अगर दिल्ली है तो क्या रहेगा 07, अगर दिल्ली है तो 07 नहीं, ठीक है. और ये पैन नंबर, यहाँ तक हो गया था. अच्छा ये यहाँ तक हो गया था ना, टैक्स सब्स्यूम, टैक्स नॉट सब्स्यूम. कौन कौन सा टैक्स जीएसटी में नहीं आया सर, इसके पहले क्या था, इसके पहले था टैक्स सब्स्यूम, कौन कौन सा टैक्स जीएसटी में आ गया और अभी कौन कौन सा टैक्स जीएसटी में नहीं आया है, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग. कौन कौन सा टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, R&D सेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी. बेसिकली अगर देखा जाए नटशेल ना, एक कस्टम ड्यूटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट सेंट्रल टैक्स जो नहीं आया है. सेफगार्ड ड्यूटी इज ऑल्सो अ कस्टम ड्यूटी, हम लोग पढ़ेंगे सेफगार्ड ड्यूटी क्या होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होता है और बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होता है, हम लोग कस्टम स्टार्ट करेंगे उसमें सारा एलाबोरेशन है. टैक्सेस नॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, द टैक्सेस विच आर नॉट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, स्टेट टैक्स में क्या है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, आपको पता ना स्टैम्प ड्यूटी कहाँ लगता है, स्टैम्प ड्यूटी ऑन द सेल ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी ऑन द सेल ऑफ परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. पी टैक्स, सब पी टैक्स कहाँ लगता है, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बंदा प्रोफेशन करे या फिर सैलरीड पर्सन है उसके ऊपर, उस पर टैक्स देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को, बहुत ही नॉमिनल, मंथली 150-300 रुपया है, ठीक है. मोटर व्हीकल टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स क्या होता है, हम लोग जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं RTO में उसका टैक्स, ठीक है. एग्जाम में क्या आएगा, ये इंपोर्ट ड्यूटीज, ये बेसिक कस्टम ड्यूटीज है, इंपोर्ट ड्यूटी एक्चुअली कस्टम बोलेंगे ना तो कस्टम में सारा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, अननेसेसरी इलैबोरेट करते रहता है, समझ में आ जाएगा. बेसिक कस्टम ड्यूटीज है इंपोर्ट ड्यूटी, ये भी एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है. एग्जाम में कैसे पूछेगा आपको बताया, मैं कॉमन सेंस का बात कर रहा हूँ, एग्जाम में पूछेगा क्या एमसीक्यू में, एमसीक्यू में अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, कौन कौन सा टैक्स सब्स्यूम्ड हो गया है या कौन कौन सा इनमें से कौन सा टैक्स सब्स्यूम्ड नहीं हुआ पूछेगा. विच ऑफ द फॉरेन टैक्स हैज नॉट बीन सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, समझ
समझ में आ रहा है, उसमें चार ऑप्शन में तीन सब्सिट्यूट हो गया होगा, एक नहीं हुआ होगा, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ टैक्स, अब दिखा था ना क्यों एक क्वेश्चन था, बेनिफिट्स ऑफ टैक्स क्या है सर, वन नेशन वन टैक्स, मतलब क्या है वन नेशन वन टैक्स, मतलब अ पर्सन इन इंडिया विल हैव टू पे वन टैक्स ओनली, इन जीएसटी पर्सन हैव टू पे वन टैक्स, मतलब कि या तो आईजीएसटी पेमेंट करो या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी पेमेंट करो। सीजीएसटी एसजीएसटी का बोलने का मतलब कि दो टैक्स नहीं कर रहे, एक टैक्स को दो बाइफर्केट करके कर रहे है कि नहीं। तो वन नेशन वन टैक्स, कॉम्पिटिटिव प्राइस, ये हमको नहीं लग रही ये बताने की जरूरत है, कॉम्पिटिटिव प्राइस कैसा है, गुड्स क्या हो जाता है चीपर या फिर हायर प्राइस का, इनडायरेक्ट टैक्स लगने से नॉर्मली गुड्स हायर प्राइस का हो जाते हैं, बट इन जीएसटी क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस वाला होता है, कैसे गुड्स इनडायरेक्ट टैक्स लगने से हायर प्राइस कैसे हो जाता है, व्हाट इज द रीजन, अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो, इफ क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल देन इट विल एड इट टू व्हाट कॉस्ट, एग्जाम्पल था ना, इफ द क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू द सप्लायर इट विल एड टू द कॉस्ट, लेकिन क्रेडिट कहाँ नहीं मिलता था सर, जहाँ नहीं मिलता था पुराने वाले मतलब सर एक्साइज दिए थे, कौन गवर्न करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेल का टाइम में क्या किए बैट दिए, कौन गवर्न करता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलता है, आपने टैक्स किसको दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप उससे लेना, मेरे पेमेंट में उसको एडजस्ट मत करना, समझ में आ रहा है, देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टैक्स एंड सॉरी देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर विच द क्रेडिट वॉज डिनाइड। लेकिन आज के केस में क्या है, एक ही है जीएसटी विच इज इंटीग्रेटेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि आप खरीद के लेके आए बाहर से, मतलब मैं आसाम का हूँ राजस्थान से खरीद के लेके आया हूँ सर, क्रेडिट पेमेंट किया है हाँ, अब मैं आसाम में ही बेच रहा हूँ सर, इसका क्रेडिट ले सकते हैं हाँ, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है यहाँ तक क्या हुआ सर, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं परचेज करके आ रहा हूँ कहाँ, मैं कहाँ पर हूँ रजिस्टर्ड, आसाम में, परचेज करके आ रहा हूँ गुड्स कहाँ से, राजस्थान से, मैंने टैक्स वहाँ पेमेंट किया है हाँ, अब मैं सेल कहाँ कर रहा हूँ गुड्स, आसाम में, क्या मैं वहाँ पर टैक्स पेमेंट किया था वो यहाँ पर क्रेडिट ले सकता हूँ, आंसर इज यस प्रोवाइडेड वो बिजनेस यूज के लिए हो, ठीक है, प्रोवाइडेड वो बिजनेस यूज के लिए हो। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, यही तो बताया, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब क्या है सर, पहले क्या था ऑब्स्टेकल्स आते थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता था आप स्टेट गवर्नमेंट को दिए हो हमको इससे मतलब नहीं, स्टेट गवर्नमेंट बोलता था आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हो हमको इससे मतलब नहीं, लेता था दोनों ही गवर्नमेंट, तो इससे क्या होता था अननेसेसरी फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं होता था, फॉर बिकॉज ऑफ विच प्राइस ऑफ गुड्स वॉज एक्सक्लूडेड, यही तो था, मतलब रीजन तो यही था, स्ट्रक्चर तो यही है, लेकिन आज के डेट में सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। इजी कॉम्प्लायंस सर, इजी कॉम्प्लायंस कैसे होता था, कैसे इजी कॉम्प्लायंस होता था, एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है ठीक है, बिजनेसमैन, उसका सेंट्रल एक्साइज का ड्यू डेट पता है आपको 7th, ठीक है, उसके बाद आपका वैट का ड्यू डेट से 21st, ठीक है, लेकिन आज के डेट में जीएसटी का एक ही ड्यू डेट है 20, अगर उसका सर्विस टैक्स है तो अलग कोई ड्यू डेट, ठीक है, सर्विस टैक्स है तो अलग कोई ड्यू डेट, सीएसटी पेमेंट का भी एक ड्यू डेट, ठीक है, बट अभी क्या है जीएसटी का ड्यू डेट क्या है 20th, जीएसटी का ड्यू डेट क्या है 20th, मतलब क्या है सर, पहले कॉम्प्लायंसेस बहुत ज़्यादा था, आज के डेट में कॉम्प्लायंसेस नहीं है। गेन टू मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर को गेन है, कैसे
जीएसटी आने से मेरा गुड्स का दाम घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है? जब क्रेडिट नहीं मिले तब बढ़ रहा है। लेकिन अगर क्रेडिट मिले, अज्यूम करते हैं क्रेडिट मिल गया है, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। इससे एक्सपोर्टर को क्या बेनिफिट हो रहा है? कॉस्ट कम हो रहा है। तो वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या कर रहा है? कॉम्पिटिट कर रहा है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में कॉम्पिटिट कर रहा है। लेकिन इसी समय अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लफड़े में पड़ा रहता है, क्या होता है? एक्सलेट करेगा मैटर। तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस एक्सलेट करेगा तो क्या होगा? कॉम्पिटिटिव मार्केट में नहीं सस्टेन कर पाएगा। मतलब तो ये बोलना चाह रहा है गेन। कौन सा गेन? फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल गेन टू मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर। सर आपको मिल जाएगा सर, अगर कोई मेरा पीपीटी पढ़ के अगर बुक्स पढ़ रहा है ना, तो उसको सारा का सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, और इनकेस नहीं हो रहा समझ तो मेरे को बताना कि मैं भी ये पीपीटी वहीं से बनाया हूँ। फीचर्स क्या है? व्हाट आर द फीचर्स? इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब से ये एक बिहार है और ये बंगाल है। गुड्स यहां से यहां जा रहा है। मतलब पर्सन सिटिंग इन बिहार सेलिंग गुड्स टू वेस्ट बंगाल, टैक्स कौन गवर्नमेंट लेगी? टैक्स कौन गवर्नमेंट लेगी? बिहार गवर्नमेंट या फिर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। जहाँ डेस्टिनेशन है गुड्स का, वही गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, प्रोवाइडेड सम एक्सेप्शन है। ठीक है, लेकिन इन जनरल क्या है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेगी। एक्सेप्शन क्या है? हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई में बताएंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई है डेडिकेटेड चैप्टर, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा गवर्नमेंट टैक्स लेगी। मतलब गवर्नमेंट टैक्स लेगी मतलब कि जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे होगा वहाँ पे टैक्स लेगी। डुअल जीएसटी मॉडल बनने का मतलब क्या है? सर डुअल जीएसटी मॉडल बनने का मतलब क्या है? मतलब कि डुअल है, मतलब डुअल मतलब क्या है? दो। डुअल मतलब दो, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी का बोलने का मतलब। ठीक है, import and export will be zero rated. import and export will be zero rated. मतलब क्या है सर? zero rated का मतलब क्या है? zero rated मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। common sense का बात है, आप देखो एक पर्सन है ओके, एक पर्सन है जो टैक्सेबल गुड्स देता है। पर्सन इज सेलिंग टैक्सेबल गुड्स, मतलब क्या है सर? अगर वो सेल करेगा टैक्सेबल गुड्स का, सोचिए 20,000। सिंस ये टैक्सेबल गुड्स है तो उसको जीएसटी कितना देना पड़ेगा? से 80% कितना हो जाएगा? 3,600 दिख रहा है ना? 23,600। अब कॉमन सेंस से बात करना, इसको अगर इनपुट का कोई कॉन्सेप्ट है तो ये बंदा इनपुट ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ले सकता है ऑब्वियसली।
सेकंड सेकंड क्या केस है? एग्जेम्प्टेड. एग्जेम्प्ट पता है आप लोगों को क्या होता है? एग्जेम्प्ट क्या होता है सर? एग्जेम्प्ट वो गुड्स होता है जिस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही है. लगा रही है कि नहीं लगा रही है? नहीं लगा रही. जैसे मैंने बताया था एग्जेम्प्ट गुड क्या हो सकता है? रूज ग्रेन सर, मतलब हम लोग का एसेंशियल फूड चावल, ठीक है, धान, उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा रही है. तो वो 20,000 रुपये, वो 20,000 की, अब उस पर GST कितना लगेगा? GST जीरो. तो उस पर कॉस्ट कितना पड़ गया? सेल कितना है? 20,000. अब इसके पास ITC है. सोचो इसके पास भी ITC था, ठीक है, इसके पास भी ITC था. सोचो 1,000 रुपया, इसके पास भी ITC था 1,000 रुपया. समझना कॉन्सेप्ट क्या? वो क्या करेगी? तो ये गवर्नमेंट वो कितना पेमेंट करेगी? 2,000. यही तो करेगी. इसे डाउट है कहाँ से आया? 2,600. इसका भी ITC था 1,000 रुपया. ये गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करेगी? जीरो. और 1,000 रुपया, 1,000 रुपया क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पड़ा रहेगा सर, पड़ा रहेगा उसके लेजर में ना, पड़ा रहेगा हमेशा. आज बेची कल भी 20,000 बेचेंगे तो कभी एडजस्ट होगा क्या? नहीं होगा. 1,000 कभी नहीं होगा. तो गवर्नमेंट ना रूल निकाल दो. रूल क्या है सुन लीजिए, लॉ में हम लोग पढ़ेंगे, सब लॉ पढ़ेंगे, ITC पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे. लॉ है, इफ़ योर सप्लाई इज एग्जेम्प्टेड, यू विल नॉट अलाउड टू टेक ITC. इफ योर सप्लाई इज एग्जेम्प्टेड, यू विल नॉट अलाउड टू टेक ITC. ठीक है, क्या गलत बोलिए? क्या गलत बोलिए? क्या यहाँ पे नहीं बोलिए? रेडी. अब क्या हुआ? मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे, मैं इसको लिखवा दूंगा. उसके बाद क्या है? से एक एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर है. फॉर द टाइम बीइंग आप ये मान लो कि एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता, एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता. तो लॉ में क्या लिखा बता देता हूँ. लॉ में लिखा है इफ एक्सपोर्टर, लॉ में लिखा है एक्सपोर्टर हैज टू ऑप्शन. ही कैन एक्सपोर्ट द गुड्स विदाउट पेइंग GST, ही कैन एक्सपोर्ट द गुड्स विदाउट पेइंग GST, और ही कैन पे GST एंड अप्लाई फॉर रिफंड. ओके, यू कैन पे GST एंड अप्लाई फॉर रिफंड. ये है दो ऑप्शन. सोचो ये वाला क्या है, ये रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किया, ये GST नहीं पेमेंट किया, ठीक है. इसका क्या है? 20,000. और इसका GST कितना है? इसका GST कितना है? जीरो. 20,000. सर इसको ITC मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए. अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मिलना चाहिए ना, तो ये मर जाएगा, ये मर जाएगा. कैसे मरेगा हम आपको बताते हैं. यहाँ पे आपने देखा इसके गुड्स का दाम कितना हो गया? 20,000. इसके गुड्स का दाम कितना हो गया पता है आपको? इसके गुड्स का दाम कितना हो गया पता है आपको? 21,000. दिख रहा है आपको 21,000? क्या कैसे दिख रहा है? ये बंदा सेल कर रहा है ना 20,000 का, उसका ITC 1,000 का, इसका मतलब क्या हुआ? उसने कहीं तो पेमेंट कर दिया होगा ना 1,000 रुपया. समझ में आ रहा है ना? ये गुड्स है, ये गुड्स का नाम क्या है? ए. गुड्स का नाम क्या है? ए. गुड्स का नाम क्या है? ए. ए तो किसी से खरीदा होगा तब तो बेच रहा है. अज्यूम कर रहे हैं कोई ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है. ये तो खरीदा होगा तभी तो बेच रहा है सर. ये जब खरीदा था तो 1,000 रुपये ITC दे के आया है. आज के डेट में गवर्नमेंट बोल दिया है कि यू विल नॉट अलाउ टू टेक ITC. तो क्या करेगा?
उसका पीएल में क्या बनेगा, उसका सोचो पीएल है ये, पीएल में क्या बनेगा, मैं पीएल यहां बनाता हूं, मैं पीएल बनाता हूं, पीएल सबको पता है ना, पीएल सबको पता है, मैं पीएल बनाता हूं, यहां सेल्स आएगा ना 20,000 और यहां पे बैलेंस शीट बनाता हूं, यहां पे बैलेंस शीट बनाता हूं, पीएल बनाता हूं, ठीक है। किसी को ज्यादा लग नहीं रहा, समझ में आ रहा ना, यहां पे उसका एसेट्स दिख रहा होगा 1,000 का, मैंने बताया था ना आईटीसी एसेट्स होता है, हाँ, अब 20,000 का यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, सेल, ठीक है। अज्यूम करते हैं उसका उसका सेल था परचेस से 15,000 रुपये, तो प्रॉफिट कितना आ जाता, 5,000 यही तो आ जाता। अब क्या वो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, मेरा कंडीशन है किसको आईटीसी नहीं मिलेगा, अरे आईटीसी नहीं मिलेगा तो ऑडिटर क्या बोलेगा, भाई आईटीसी जब आप कभी मिलेगा नहीं तो उसको राइट ऑफ कीजिए, यही बोलेगा ना, आईटीसी नहीं मिलेगा तो उसको राइट ऑफ कीजिए, इसको क्यों दिखा के रखें बुक्स में, समझ में आ रहा आपको, नहीं आ रहा तो प्लीज़ बोलना, प्लीज़ बताना, मैं ग्रुप एकदम ग्रास लेवल से बता दूंगा क्या हो सकता है, मुझे ऐसा अज्यूम हो रहा है कि ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। आईटीसी नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट उसको ऑडिटर क्या बोलेगा, इसको राइट ऑफ कीजिए, राइट ऑफ का एंट्री क्या होगा, राइट ऑफ का एंट्री क्या होगा, हाँ, राइट ऑफ का एंट्री क्या होगा, राइट ऑफ का एंट्री क्या होगा, तो किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईटीसी, यही तो होगा, यहाँ आईटीसी क्या था, डेबिट एसेट्स, डेबिट दिख रहा है ना, एसेट्स डेबिट, उसको क्रेडिट कर देगा 1,000 रुपया से और पीएल पे चार्ज कर देगा, तो उसका कितना प्रॉफिट हो गया भाई, उसका कितना प्रॉफिट हो गया नेट में, 5,000 माइनस मतलब इन 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 टोटल, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि सर ये 4,000 हो गया है, अगर वो अगले वर्ष से क्या करेगा पता है, अगले वर्ष से वो क्या करेगा, वो यहाँ 21,000 बताएगा, वो क्या कौन करेगा यहाँ पे, कौन करेगा राइट ऑफ, मैं इसको कॉस्ट में जोड़ दूंगा, उनको पता है कि आईटीसी मिलने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, कॉस्ट में जोड़ देंगे, यही तो हो जाएगा ना, कॉस्ट में जोड़ देंगे तो यह ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉस्ट नहीं है, सॉरी सॉरी, हाँ ये 20,000 ये कॉस्ट में जोड़ देंगे, टू आईटीसी लिख के इसको लेंगे ही, इसको यहाँ पे हमेशा डालेंगे, तो हमेशा ये 4,000 ही आएगा, देख रहे ना, इसका मतलब क्या है सर, अगर आईटीसी नहीं मिले तो हमारा क्या इफेक्ट करता है प्रॉफिट, कैसे इफेक्ट करता है सर, कॉस्ट में बढ़ जाता है, हमारा जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है ना बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है ना, और अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला का है, हाँ अगर एक्सपोर्ट वाले का क्या रहता, अगर एक्सपोर्ट वाला को आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता तो एक्सपोर्ट का मेरा कॉस्ट बढ़ जाता, प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता, नहीं पहला फीचर्स क्या देखा था, कॉम्पिटिटिव प्राइस में देगा, अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, सर देखो ये मैंने बॉटल खरीदा था 10 रुपये का, 1 रुपया आईटीसी था, मेरा बॉटल का मैं एग्जेम्प्ट वाला हूँ, मैंने बॉटल का कॉस्ट क्या हो गया 11 रुपये, समझ में आ रहा ना, अब एक्सपोर्ट वाला हूँ, एक्सपोर्ट वाला का भी 11 रुपया होगा तो मार्केट में बिकेगा कहाँ से, इंटरनेशनल मार्केट में, अगर मेरा भी 11 रुपया होगा, गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि एक्सपोर्ट भर भर के हो, गवर्नमेंट क्या चाह रही है एक्सपोर्ट भर भर के हो, तो अगर प्राइस ही हाई जाएगा तो कौन मिलेगा उससे, बगल में फ्रांस वाला है वो 10 में बेचेगा, गवर्नमेंट आपको पता है ना एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे देती है,
भाई प्राइस कम है, तुम भर भर एक्सपोर्ट कर, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोली है ना कि ठीक है आपने तो पेमेंट कर लिया है 1 रुपया, मैंने जो बोतल खरीदा था 1 रुपया परचेस कर दिया, बोतल 10 रुपया और 1 रुपया ITC ले लिया, मैंने तो उसको दे दिया ना ITC, ठीक है। अब गवर्नमेंट को की तरफ देख रहा हूँ कि वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, बोल रही है कि ITC नहीं मिलेगा, तब तो मैं मर गया। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है एक्सपोर्ट वाले को कि भाई तूने पेमेंट कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल रिफंड यू अमाउंट, अप्लाई द रिफंड टू द गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ले लो, हम लोग रिफंड कर देंगे। मतलब इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ITC पेड ऑन द गुड्स इज रिफंडेड, ठीक है। ITC पेड ऑन गुड्स इज रिफंडेड फॉर द सेक ऑफ टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ITC, है कि नहीं। हमारा ITC के कारण कॉस्ट नहीं बढ़े, इसीलिए क्या है गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर ITC हम लोग जो पेमेंट किए थे उसको रिफंड कर रही है। दूसरा एग्जेम्प्ट वाले को कोई रिफंड नहीं कर रही है, कहाँ जा रहा है कॉस्ट में। तीसरा टैक्सेबल वाला क्या कर रहा है, वो अपना आउटपुट के संग एडजस्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो सर ये एक्सपोर्ट वाले को, तो एक्सपोर्ट वाले का क्या नाम दी है, जीरो रेटेड। एक्सपोर्ट वाले को क्या नाम दी है, जीरो रेटेड। मतलब सर ये एग्जेम्प्ट नहीं है, इस पे रेट है, कितना रेट है, कितना रेट ऑफ GST है, 0%। एक्सपोर्ट वाले को कितना दी, कितना रेट ऑफ GST है, 0%। मतलब अगर ये बोल देना कि हाँ एग्जेम्प्ट है, अगर बोल दे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भाई, एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है। अगर एग्जेम्प्ट बोल दी तो क्या होगा, तो एग्जेम्प्ट वाले लोग खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि इसका ITC क्यों दे रहे हैं। तो बोलिए टैक्सेबल है, लेकिन टैक्सेबल क्या है, जीरो रेट है, समझ में आ रहा है। ओके ये समझ में आ रहा है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विल बी जीरो रेटेड। आ रहा समझ में सर, इम्पोर्ट में और एक्सपोर्ट क्या है, जीरो रेटेड है। रेट्स ऑफ GST, GST का रेट्स, इन नॉर्मल GST का रेट मैं बता देता हूँ, इन नॉर्मल 5%, 12%, 18%, 28%, मैंने बताया था नहीं बोला। 5% वाला कौन सा था, 5% वाला कौन सा था, मोस्टली एसेंशियल गुड्स, ठीक है। ये दोनों क्या है, स्टैंडर्ड रेट, ये दोनों क्या है, स्टैंडर्ड रेट, और ये टैक्स ऑन लग्जरी आइटम, टैक्स ऑन हेवी इंजीनियरिंग गुड्स और लग्जरी आइटम, ठीक है। फीचर्स में क्या और क्या, रजिस्ट्रेशन, सर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, सर एवरी पर्सन आफ्टर सम थ्रेशोल्ड लिमिट, ए पर्सन आफ्टर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर GST एक्ट। पर्सन आफ्टर थ्रेशोल्ड लिमिट हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर GST एक्ट। वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 20 लाख था, मैं बता रहा हूँ क्या है। इफ यू आर सेलिंग गुड्स देन योर थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी 40 लाख। इफ यू आर सेलिंग गुड्स योर थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी, सर मैं बता रहा हूँ और लिखवा नहीं रहा हूँ, सबका डेडिकेटेड चैप्टर है। जब चैप्टर खत्म होगा ना तो आपको दिखेगा ही कि ये सब सारा कंप्लीट हो गया, मैं लिख चुका हूँ भर 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 के, ठीक है। इसीलिए मैं सिर्फ लिप सर्विस दे रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा। सर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का भी है, हाँ है। डुअल टैक्स मॉडल का भी है, ये तो फीचर्स है इसका नहीं है। डुअल टैक्स मॉडल का क्या था, CGST और SGST।
इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इसका भी चैप्टर है, हाँ है, रेट्स का भी चैप्टर है, रेट्स तो चार ही रेट्स है, सब कोई चैप्टर नहीं है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, हाँ है, ITC चैप्टर है, हाँ है, सबका चैप्टर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इफ यू आर सेलिंग गुड्स देन योर थ्रेशोल्ड लिमिट इज 40 लाख, मतलब आपका अगर सेल 40 लाख रुपए है, कब का, मंथली या एनुअली, एनुअली मतलब अगर आपका एनुअली 40 लाख रुपए से ज्यादा है, यू हैव टू मैंडेटरी टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर GST एक्ट, मैंडेटरी। सर कम है तो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं ऑप्शनल, अगर कम है तो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं ऑप्शनल, नहीं लेना मतलब। अब बट इन केस ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ सर्विसेज कितना अमाउंट है, 20 लाख, इन केस ऑफ सर्विसेज अमाउंट कितना है, 20 लाख। ITC, सर ITC भी भर भर के होगा, हार्ट ऑफ द GST, इसको हार्ट ऑफ द GST बोलते हैं सर, ITC हार्ट ऑफ द GST, जितना भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ITC क्या है, वरदान, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट बता दिया था मैंने, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या है, नो डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक्चुअली मैं बात बताऊँ, एक्चुअली तो GST स्टार्ट ही नहीं हुआ, मैं क्या करा रहा हूँ, सिर्फ थ्योरी करा रहा हूँ, GST नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट है, GST स्टार्ट कहाँ से है, नेक्स्ट चैप्टर सेक्शन 7, वहाँ से अब GST का फुल फ्लो स्टार्ट है। एक्ट, देर आर 3 एक्ट्स, एक और एक्ट भी है, कौन कौन सा एक्ट है, CGST एक्ट, और उसका रिलेवेंट रूल क्या है, CGST रूल, एक्ट का रूल में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल, रूल्स में क्या ना, आपको लॉ को पॉज कैसे कंप्लाई करना है ना, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा, मतलब सुनिए एक एग्जांपल बताता हूँ क्या डिफरेंस है, अगर मैं बता रहा, अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लीज नहीं मिलेगा, अगर टैक्सेबल कर रहे तो, अगर दोनों कर रहे हैं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन पूरा मिलेगा क्या, जितना टैक्सेबल कर रहे हैं उतना मिलेगा, मतलब
आदमी है उसका एग्जेम्प्ट, उसका एग्जेम्प्ट सप्लाई कितना है, एक बिजनेस करके रखता है, उसमें प्रोडक्ट ए है प्रोडक्ट बी है, ये प्रोडक्ट ए है ये प्रोडक्ट बी है, ठीक है, प्रोडक्ट ए है प्रोडक्ट बी है, टोटल टर्नओवर कितना है मेरा, टोटल टर्नओवर कितना है 800, टोटल टर्नओवर 800 है, आईटीसी है, आईटीसी सोचो 40 रुपया, आईटीसी 40 रुपया, तो आईटीसी 40 रुपया है तो क्या कैसे मिलेगा, आईटीसी 40 पूरा मिलेगा सर, 40 पूरा नहीं मिलेगा, 40 पूरा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा सर, प्रोपोर्शनेट मिलेगा, प्रोपोर्शनेट टोटल टर्नओवर कितना है 800, 800 बाई 40 इंटू एग्जेम्प्ट के लिए कितना मिलेगा, सॉरी कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ट्वेंटी फाइव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 25 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा 15। सर मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, मतलब कि ये मेथड इज वेरी लॉन्ग मेथड, ठीक है, मैं जो जैसे ग्लिम्स बता रहा हूँ क्या है, 15 मिलेगा, ठीक है, तो इसको आईटीसी कितना मिलेगा 15। सर ये एग्जेम्प्ट के लिए मिलेगा और टैक्सेबल के लिए नहीं मिलेगा, पहला चीज, अगर दोनों एग्जेम्प्ट टैक्सेबल है तो प्रोपोर्शनेट मिलेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है एक्ट में, लेकिन प्रोपोर्शनेट करने का तरीका कैसे है वो कहाँ लिखा हुआ है रूल में, कैसे समझ में आ रहा है सर, ये काम करना है ये कहाँ लिखा हुआ है एक्ट में, कैसे करना है प्रोसेस कहाँ लिखा है रूल्स में, ठीक है, आपका आपको रिटर्न फाइल करना है फॉर्म वन में, एग्जाम्पल बता दो वो कहाँ लिखा है एक्ट में, फॉर्म वन कहाँ से मिलेगा कैसे भरना है वो कहाँ लिखा है रूल में, समझ आ रहा है क्या डिफरेंस है, सर सीजीएसटी एक्ट का रेलेवेंट क्या है, सीजीएसटी रूल, आईजीएसटी एक्ट का आईजीएसटी रूल, कंपनसेशन टू सेल्स का कंपनसेशन सेल्स रूल, आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है, सीजीएसटी एक्ट सीजीएसटी रूल, एसजीएसटी एक्ट एसजीएसटी रूल, आईजीएसटी एक्ट आईजीएसटी रूल, कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन सेस क्या होता है, कंपनसेशन सेस क्या होता है सर,
पहला बात तो कंपनसेशन से होता क्या है, पढ़े यहाँ पर जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट वॉज इनएक्टेड, मतलब आपको मैंने बताया था ना सर आईजीएसटी कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएसटी एसजीएसटी का डिवाइड में सीजीएसटी कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन क्या करेगी सीजीएसटी, कंपनसेट करेगी कि नहीं स्टेट को, स्टेट को कंपनसेट करेगी, वही एक्ट है। तो सीजीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट वॉज इनएक्टेड मतलब बनाया गया था टू लेवाई कंपनसेशन फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन स्टेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स विद अफेक्ट फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इज ब्रॉट इन टू फोर्स। मतलब क्या है आपका, समझ में आ रहा आपको ये सर, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 वॉज इनएक्टेड, लाया गया किस लिए लाया गया, टू लेवाई कंपनसेशन सेस, लेवाई कंपनसेशन सेस, कंपनसेशन सेस लेवाई करने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेशन, कंपनसेट करने के लिए किसको, टू स्टेट्स को, किसको, टू स्टेट्स को, क्यों, फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग इन arising on accounts of implementation of GST. Loss of revenue है कि नहीं, loss of revenue है कि नहीं, central government क्या ले रही है, central government क्या ले रही है, IGST ले रही है plus CGST ले रही है, state government क्या ले रही है, सिर्फ SGST ले रही है, loss है कि नहीं है, loss है, तो वो loss का जो कुछ part है किसको compensate करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करेगी, डिपेंड करेगी कौन सा सेल, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा हो रहा है। अब ये बताओ महाराष्ट्र और मिजोरम गवर्नमेंट किसको कंपनसेट ज़्यादा करेगी, महाराष्ट्र या मिजोरम, नहीं महाराष्ट्र, सीए ज़्यादा कहाँ हो रहा होगा, महाराष्ट्र, तो लॉस किसको ज्यादा हो रहा होगा, तो कंपनसेट किसको करेगी, महाराष्ट्र, समझ में आ रहा क्या, जहाँ बिजनेस ज्यादा वहाँ का लॉस कम। सर मेरा यहाँ पे, मेरा ये स्टेट है 100 करोड़ का रेवेन्यू होता था, ठीक है, मेरा यहाँ स्टेट है 100 करोड़ का रेवेन्यू होता था जिसमें मैं कुछ पैसा अर्न करता था, आज के डेट में आपने जीएसटी लिया के मेरा सोचो 10% का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया। वहाँ मिजोरम है, वो बोल रहा मेरा 20 करोड़ का होता था, उसमें से 10% लॉस हो गया, तो ऑब्वियसली से बात है हम इसका 10 करोड़, इसका 100 करोड़ का 10% लॉस हो, इसको कंपनसेट ज़्यादा करेंगे, ठीक है, इसका स्टेट का रेवेन्यू कम है, इसका कंपनसेट कम करेंगे, ऑब्वियसली से बात है। आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मैंने क्या बोला जो लॉस करेगा वो गेम गए वहाँ पे, इसको कंपलसरी नहीं, गुलाब का एसजीएसटी मिला ना, सॉरी आईजीएसटी मिला ना, नहीं पहला बात तो गुजरात को क्या मिला, यहाँ पर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगा हुआ, ठीक है, तो ऐसे गुजरात को ऐसा कुछ डेस्टिनेशन नहीं है, कॉम्पनसेट करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, ठीक है, गुजरात को क्या मिला, गुजरात को अदर टाइप ऑफ टैक्सेस है, मेरा मैं गुजरात के स्टैटिस्ट हूँ, ठीक है, मैं सीजीएसटी भी कर रहा हूँ, आईजीएसटी भी कर रहा हूँ, जीएसटी भी कर रहा हूँ, आईजीएसटी में अगर मैं जीएसटी एरा नहीं रहता तो मैं अगर सीएसटी करता, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो गुजरात गवर्नमेंट को क्या मिलती है, हाँ सेंट्रल एक्साइज कैसे मिलती है, मैं ट्रेडर हूँ, सेंट्रल एक्साइज किस पे लगता था, मैनुफैक्चरर, और मैनुफैक्चरिंग की बात करें, अगर मैनुफैक्चरिंग है, ठीक है, अगर मैनुफैक्चरिंग है तो उस समय अगर वो आईजीएसटी पे भी पेमेंट कर रही है ना,
तो मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कंपनसेट करेगी। हाँ कुछ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि गवर्नमेंट का हुआ डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहाँ पे जाकर डेस्टिनेशन आएगा गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी। जिसके पास बिजनेस आ रहा है, मतलब जो स्टेट में ज़्यादा बिजनेस है उसका अदर और डिफरेंट टाइप का वो है ना, तो और भी डिफरेंट टाइप का बेनिफिट्स है। कैसे क्या क्या बेनिफिट्स है? अदर टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका और क्या क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट इज ब्रॉट इन टू फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए था, एज द मे पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। मतलब कि 5 ईयर के लिए था, मतलब क्या था कि सर ये वाला क्या था, 1st 7 2017 से 5 ईयर का कितना हो जाता है 2022 तक, लेकिन वो एक्सटेंड कर दिया है 2036 तक, ठीक है। ओके, और दिस आई एम रैपिंग अप द क्लास। और कितना है ये वाला, नेक्स्ट क्लास में मैट लेके आइएगा, FAQ कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैट लेके आइएगा, स्टडी मैट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्टडी मैट लेके आइएगा।